मेरा नाम नागा कुमगिरी, आश्रम दुधारी डोंगरी, गृह आश्रम गाटड़ा। जब भगवान राम वनवास को जाते हैं, दशरथ जी कहते हैं कि तेरे बिना मैं जी न सकूंगा, तेरे बिना मैं जी न सकूंगा। सुन ले अब सितारे भर मत जला, कैसे कटेंगे दिन और रतियां, सुनी हो गई कावड़ है की गलियां। कैसे कटेंगे दिन और रतियां, सुनी हो गई कावड़ है की गलियां। कैसे कटेंगे दिन और रतियां, सुनी हो गई जनक दुलारी कैसे सहेगी विपुलता ये भारी। फूलों सी है जनक दुलारी कैसे सहेगी विपुलता ये भारी। हाँ फूलों सी है जनक दुलारी, फूलों सी है जनक दुलारी कैसे सहेगी विपुलता। I love you.
संस्कृति भैंस चराता था, दंड कुश्ती करता था, काम रहता था तब। फिर धीरे 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 संगत लग गई साधुओं की, संतों की संगत लगी, तो संगत का रंग तुम जानते हो ऐसा होता ही है, तो खुद मुझे ही साधु बनना पड़ गया। तो आगरा में मेरे को इनके पास में पहुंचा, यहां से इनकी सेवा करने के बाद में मौका मिला तो मैं यहाँ घाटड़ा में आ जाता हूँ, बड़े बाग में रहता था। तो मुझे शौक लगा बाजा सीखने का, देख देख के कि किसी भी तरह से मैं रामायण पढ़ना सीख जाऊँ। तो सिखा पढ़ना तो गुरु जी ने सिखा दिया था मुझे, स्कूल का पढ़ा नहीं, गुरु जी ने सिखा दिया मुझे पढ़ना। और केवल मुझे रामायण बाजे से इच्छा थी कि बाजे के साथ में रामायण पढ़ूं। तो बड़े बाग में आकर के मुझे ढोलक पेटी मिली, तो मैं तो निकाल करके रख गया। कभी कभार ये कन्हैया जाता था, वो सुबह वाला मेरे पास में, यार मुझे कुछ बता दे, तो ये तो अपनी धुन में लगा रहता था, एक आधा घंटा अपना बजा बजू के चला दे, मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया। तो धीरे धीरे मैं एक महीने में रामायण पढ़ना बिल्कुल सीख गया, जो जिस दिन में मैं पढ़ता हूँ तो एक दिन दो दिन उसमें सीख गया। उसके बाद में अब कुछ दिन के बाद में मैं चला जाता हूँ सिद्ध पे, बंदा के पार पर। और जिस टाइम पे राम रहीम फिल्म बनाने आया था, उसकी टाइम की बात है, एक दिन हितेश जी पहुंच गए मेरे पास में। हितेश दास से मैंने ये कहा था, अगर तू छोटा सा था तब मैंने तुझे बाजा बजाना सिखाया था, सबसे पहले मैंने पकड़ाया था, मैं सीख रहा था, तो अब तू पारंगत हो गया तो भाई अब थोड़ा सा बदला कर ले, काहे का महाराज कि मुझे तू बता दे कुछ, और क्या चाहते हो यार, दो चार भजन कोई क्लासिकल का हो कि महाराज जी सीख लिया हो, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है। तो हितेश जी ने मुझे एक किताब दी, तो कि महाराज इस किताब को पहले पढ़ लेना, इस किताब में बताया कि बाजा क्या होता है, क्लासिकल क्या होता है, वजन क्या होता है, सब कुछ उसमें बताया। तो मैं दो दिन तो उसको पढ़ने में लगाया मैंने, तो ठंडे दिमाग से पढ़ता था, तो उसमें जितने भी राग होते हैं उसके ठाट भी थे, आरु अबरे सब कुछ दे रखी थी। तो मैं आरु अबर देख करके फिर मुझे एक प्यारा लगता था भैरवी राग, तो मुझे भैरवी का ठाट मिला, मैं भैरवी को देखो कैसे बजती है, तो मैं उसमें धीरे धीरे निकालने लगा। तो आठ दिन के बाद में मेरे पास में हितेश जी फिर पहुंच जाते हैं, जो फिल्म बना रहा था उसमें जब, तो हितेश जी से मैंने बोला, मैं यार ताल लगा के बताए मुझे, मैं एक राग सुनाऊं, कि मेरा राग में कहां से सुनाएंगे, मैं तेरी किताब किसने सिखाया, मैं तूने, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैं तो किताब दे गया था, मैं किताब तो बता रही है सब कुछ। तो मैंने भैरवी का राग उसको सुनाया, तो ये भी तारीफ करने लगे कि महाराज जितने भी कलाकार हमारे इस एरिया में, केवल अब संतोष तो मैंने सिखा दिया, हितेश बता रहे थे, संतोष को तो मैंने बता दिया, और एक और है महेश नाथ, ये इस एरिया में दो हैं कि ये किताब से गा सकते हैं, उन्हें जितने भी कलाकार हैं इस एरिया में हमारे में, तो कोई किताब से गा नहीं सकता है, माता दी ने गाने वाला है अच्छा, एक मास्टर बद्री ये अच्छा गाता है, खाती का नाम क्या है कौन सा लाल है, तो ये भी मतलब नोटेशन दे दो तो बजा नहीं पाएंगे।
तो मैंने वो पकड़ कर ली, मेरी पकड़ अच्छी थी नोटिसन की, तारीफ करने के लिए महाराज तुमने तो कमाल कर दिया, बगैर बताए हुए कि निशान ये जिसमें ऐसे ही होते, किसने, मैं किताब तो है, मैं इतना तो मैं पढ़ने सीख गया हूँ, पढ़ लेता हूँ और इतना दिमाग भी है कि ये ऐसे कह रहा है, ये निशान इस चीज का, ये निशान इस चीज का है, तो मैंने पकड़ लिया। तो उसी टाइम से मैं 2-4 भजन गाने लग गया। वैसे मैं कलाकार ना ही बुढ़ापे का सीखा हुआ हूँ। नर मेरा मेरा पता यहाँ पर क्या है तेरा।
वासना से निस्तन ठुकराता, काल बली से क्यों नहीं डरता। वासना से निस्तन ठुकराता, काल बली से क्यों नहीं डरता। वासना से निस्तन ठुकराता, काल बली से क्यों नहीं डरता। क्यों न ध्यान प्रभु का धरता, वो सब जग का पालन करता। भजले बिलावल यमन भैरवी भैरव काफी भैरव आशावरी और इस तरह से मतलब दस ठाकुर थे मेरे पास पूरे नहीं लिखे। हाँ कोई बात नहीं। यमन यमन होता है शाम के प्रथम पैर का। इसके ठाट में क्या है राग में समय से गाया जाता है। जो गाने वाला होगा क्लासिकल का तो गाने से पहले अपनी घड़ी देखेगा तो टाइम क्या हो रहा है। आठ पैर होते हैं, आठों पैरों के अलग 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 राग हैं। इतने बजे से इतने बजे तक जैसे यमन है इस शाम के पहले प्रथम पैर का है और भैरवी है वो सुबह की है चार बजे के बाद बाद में उसको गा सकती है आठ बजे तक। काफ़ी भी गाता हूँ पर मुझे वो ध्यान नहीं है इसमें क्योंकि क्यों भूल गया। मांड भी गाता गा लेता था मांड भी गाया गाता हूँ पर अब तो मैंने छोड़ दिया था ना तो ध्यान गाना याद रहा। इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है यानी रियाज का रोजाना का और छोड़े के बाद में बहुत फर्क पड़ जाता है। निकलेंगे शौक साध रहे केवल धर्म पे चलना तो बहुत कड़ा है क्योंकि गुजरात में मैं गया था वहां देख लिया मैंने गुजरात में साधु कौन रहेगा। नंबर वन का भ्रष्ट होगा और पैसे कमाने की लालसा होगी वो गुजरात में रुकेगा। क्यों मैं रह चुका हूँ 2 साल गुजरात में वहाँ का मैं मेहनत हूँ गुजरात का तो मेरा आश्रम था बिल्कुल रोड पे के किनारे डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर है और गांव का नाम है माधवपुर। इधर में समंदर है पीछे समंदर के किनारे ही जस्ट और द्वारकापुरी और बैरावल वाली रोड पे मेरा मेन गेट रोड पे ही था। तो वहाँ मैंने क्या देखा मेरे पास में 2-4 लोग आए। सीजन था कौन सा वर्षा का जो फसल उठती है तो गुजरात में मूंगफली बहुत ज़्यादा होती है तो मूंगफली को वो कहते हैं वो लोग मांडवी। तो जो मेरा संस्कार करा था क्योंकि संन्यास में कई गुरु होते हैं एक ही गुरु नहीं एक गुरु से पार नहीं पड़ती है संन्यास में 5 गुरु बन जाते हैं। तो वो गुरु जी के आश्रम पर मैं रहा था तो लोग वहाँ कहने लगे महाराज हाँ ऐसा करो आज हमारे गांव में आ जाओ। क्यों कि एक जगह पे तुम तो बैठ जाना हमारे घर पे आकर के
और हम वहां से उगाई करेंगे मकाई की, कि मांडवी का सीजन है, 10-20 खाड़ी मांडवी आ जाएगी। मांडवी क्या होती है भाई, मुझे समझा तो दो। सिंह दाना मैं नहीं समझा, मूंगफली जो उनकी तौल होती है खाड़ी जल किसको कहते हैं मैं तो जानता नहीं मैं। फिर उसका क्या होगा कि बापू उसको बेच देंगे बाजार में और 50,000 रुपए आएंगे, आश्रम में लगा देना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने बैठा हूँ, खाओगे कहाँ से, मैं कि तुम्हारे पीछे घर से नहीं निकलाऊ, किसी इंसान के पीछे नहीं निकलाऊ, एक के कि वो मैं ईश्वर के पीछे निकलता हूँ, उसका नाम लेता हूँ तो 25 बार लाएगा मेरे लिए खाऊंगा, मैं मांगने तो किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। 2 साल रहा मैं तो मैं 2 कमरे भी बनवाया हूं, लेकिन यहां की तरह मैंने किसी से ये भी बना करके खड़ा कर दिया, लेकिन मैं नीचे उतर के नहीं गया कि तू ये काम कर दे, तो इसे 2 कमरे बनवाए थे मैंने, लेकिन उगाई के लिए नहीं गया। आज भी रोते हैं महाराज जी आ जाओ, क्योंकि साधु बनना बड़ा कठिन है। साधु नाम साधना, केवल साधना को कहते हैं, ये नहीं कि दाढ़ी रखा लो, लटा बढ़ा लो, कपड़े उतार दो या रंग के पहन लो, ये साधु नहीं, केवल साधना, साधना नाम ही साधु है। पहले भी ऋषि थे, उनको ऋषि कहते, वो साधु ही थे, वो किसकी उपाय करते थे, क्या काम था, बैठ गए पेड़ के नीचे तो पेड़ के नीचे उनका आश्रम है, चौड़े में बैठ गए चौड़े में ही आश्रम है, किसी गुफा में घुस गए वो आश्रम है। हमने तो यही सोचा कि व्यवस्था करेगा वो करने वाला है, अपने सर पे बैठा है। आज भी गुरु जी ऊपर हाथ रखते मेरे सर पे, देख लो इनका ध्यान ले रहा हूं मैं, उगाई फुगाई कभी करता नहीं हूं। और एक चीज और मेरे अंदर अब था, चलम पीता था मैं दप्पू, लेकिन मेरे पास में बीत गया तो मैं किसी के पास में पीने नहीं गया, है तो पी लिया नहीं तो चुप बैठ गया। मैं किसी के जगह तुम्हारे पास में तुम पीते हो कि तुम्हारे पास में चलम पी गया, मैं कभी नहीं गया किसी के पास, मेरे पास में आ जाओ पी जाओ, किसी चीज के लिए मैं जाता नहीं हूं, ना मुझे कभी लालसा रहती है। Thank you.
तन की दौलत धरती छाया मन का धन दूसरा जब नंबर आया तो आवाज लगी कि महाराज द्रोणाचार्य अपने पांडवों को लेकर के वापस मतलब यहां आ जाए गाने के लिए। मैं सोच रहा था कोई होगा, तो एक बुड्ढा बोलता है कि बाबा क्या देख रहे हो, अरे तुम्हारा ही नाम ले, तुम पांच तुम्हारे शिष्य हैं, छठ में तुम्हें आवाज दे रहे हैं। कमाल के भाई बहुत बड़ी पोस्ट दी है इन्होंने तो, कि हमारे द्रोणाचार्य गुरु अपने शिष्यों को लिखे आ जाए। चलो भैया दंगल पूरा हो गया, आ गए, उसमें शायद खोवाली भी थे, खोगी भी पार्टी थी। दंगल खत्म हो गया, अपने अपने घर पे आ गए। कुछ दिन के बाद में सीताराम रेडिया वाला वो मेरे पास में आया, वो कथा सुनाने लग गया कि महाराज में हाँ कि तुम बद तो गई वो द्रोणाचार्य पर कुछ ध्यान रखती हो गया। काय का कि तुम्हारा जो शिष्य था धर्मराज वो तो फूटा पड़ा हुआ है, माता दिन के बारे में बताया। मैं क्या हो गया कि दारू पी करके मोटरसाइकिल से गिर गया, पूरा फूट गया, मुंह घिसा हुआ है। मैं दारू पी के कहा कीजिए सत्संग करते हो दारू पीते, उसी दिन से मुझे नफरत हो गई, मैं अब नहीं जाऊंगा उनके पास में। क्यों यही कहेंगे जैसा चेले हैं ऐसा गुरु होगा, ये भी पीता होगा खाता होगा, तो फिर तब से नफरत होगी। मैं ना तो फिर अभ्यास किया कोई बजाने का गाने का, ना कोई गाना पकड़ा, ना छोड़ी। चैनल से आप सभी लोग जुड़े और जुड़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।